अब देखिए यहाँ पे हमने एक कमांड से बाहर चलते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया था, उसमें हमने बॉक्स के दोनों कॉर्नर सेलेक्ट किए थे मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए। पहला कॉर्नर इसे दिया था, सेकंड कॉर्नर इसे दिया था, तो हम इसी बॉक्स में लिख रहे हैं। अब देखिए सपोज दैट हमारे पास एक और बॉक्स है, हम चाहते हैं जो चीज़ हम लिखें वो कॉलम के तौर पर लिखें। ठीक है, ये कॉलम इतना ही बड़ा होगा, या तो फिर हम इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, सी ओ इंटर। इसको भी कॉपी कर लिया इस साइड। अब फिर से हम डबल क्लिक करके फिर से टेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें जैसे कि हम कुछ लिखते हैं, इंटर किया, ठीक है, तो जैसे ही लिख रहे हैं देखिए ऑटोमेटिक कॉलम की ये विड्थ बढ़ रही है ना ऑटोमेटिक। अगर हम इसको ऐसे छोटा कर दें तो ये देख रहे हैं इसके बाहर चला जा रहा है टेक्स्ट। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं, हम इसी के बराबर करते हैं। और यहाँ पे जाके अब देखिए यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन है, अभी डायनेमिक कॉलम का ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट में चला जा रहा है, हम स्टैटिक कॉलम में लेके ऑप्शन 3 कर लेते हैं। यानी हम चाहते हैं जो कुछ भी लिखे वो अलग अलग बॉक्स में आए। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखेगा फिर यहाँ पे लिखेगा, तो जैसे हमने ये जेड तक लिख लिया था फिर इंटर किया, जैसे इंटर किया इस बॉक्स में लिखने लगा। ठीक है, जैसे ये बॉक्स फिल हो जाएगा पूरा, अब डी डी से पूरा बॉक्स फिल हो गया, फिर इंटर किया तो फिर इस बॉक्स में लिखने लगेगा। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिक इस कॉलम में लिख रहा है, अगर क्लोज कर देंगे तो ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इनको ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए अगर जब भी कभी आपने मैगजीन पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे कोई कोई बात कॉलम पे लिखी रहती है, पहले इस कॉलम में लंबा लंबा टेक्स्ट लिखा रहता है, फिर नेक्स्ट बगल में ऐसे कॉलम बने रहते हैं, तो उनको ऐसे ही लिखते हैं, पहले कॉलम में लिखते हैं फिर नेक्स्ट कॉलम में, फिर इस नेक्स्ट, पहले इधर बात कंप्लीट हो जाती है तो फिर इस कॉलम में पूरी बात लिखते हैं, फिर यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई तो इस कॉलम में बात को अपनी लिखते हैं। तो ये कॉलम है, यहाँ पर डबल क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम नो कॉलम कर दें तो देखिए कोई भी कॉलम नहीं रहेगा, तो एक कॉलम है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिंबल का। ठीक है, डिग्री का सिंबल ऐड करना है, सपोज दैट हम इसको हटा के यहाँ पे डिग्री का सिंबल ऐड करना चाहते हैं, फोर आर। ठीक है, आर के बाद 5 लिख दिया, या यहाँ से सिंबल ऐड कर लेते हैं, डिग्री का सिंबल ये आ गया ना। अब इस डिग्री के सिंबल को आप पता है कि ये सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे होता है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, तो आर डिग्री। ठीक है, आर की जगह 30 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। फिर सिंबल में जाके प्लस माइनस के सिंबल, या ढेर सारे सिंबल हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फेज बहुत कुछ सिंबल है यहाँ पे। फिर एक ऑप्शन आता है लास्ट में अदर का, जैसे ही अदर खोलेंगे आपके पास पूरी एक सिंबल की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखिए लिस्ट ओपन हो गई ना आपकी, इस यहाँ से हर एक टाइप का आपको सिंबल मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कैसा सिंबल चाहिए आपको, ठीक है, कोड चाहिए, यहाँ बहुत चाहिए। आप इनको एक दिन आराम से बैठिए इत्मीनान के साथ सारे सिंबल चेक कर लिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें पता नहीं होता वो सिंबल कहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन सारे सिंबल को ऐसे चेक कर लीजिए, जैसे कि यूरो का सिंबल लगाना है ये, हमने इसको ऐसे सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आ गया, इसको ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया, यूरो पेस्ट हो गया। यूरो कितने हैं, इतने यूरो की बातचीत चल रही है। ठीक है, और ऐसे ढेर सारे सिंबल हैं, तो यहाँ पे जिस भी चीज़ का सिंबल आपको चाहिए, जैसे डायमीटर का सिंबल चाहिए, डायमीटर का सिंबल ये आ गया, डायमीटर 2, ये हो गया। तो इस सिंबल की बात हो गई। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड का, फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फील्ड में क्या लिख सकते हैं, अपर केस लोअर केस, ये देखिए ऑथर का नाम है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर का नाम लिखेंगे और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, फिर ब्लॉक कमेंट, आप कोई कमेंट लिखना है, या फिर क्रिएट डेट, सपोज दैट ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, डेट क्रिएट करनी है। ठीक है, डेट क्रिएट करने के देखिए यहाँ पे कितने टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 16, 19, ठीक है, जनवरी 16, 19, ठीक है, या फिर जिस भी तरीके की आपको डेट लिखनी है लिख दीजिए, जैसे वाली डेट लिखनी है हमने, इसको ओके कर दिया तो यहाँ पे वही पूरी डेट लिख गई आके, ये फील्ड कहलाती है।
ठीक है, इस फील्ड में भी ढेर सारे ऑप्शन हैं, इनको भी आप आराम से बैठ के देखिए और समझिए इन ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे लॉगिन डिटेल है, ठीक है, ये लॉगिन ओके कर दिया तो सौरभ वर्मा मेरा नाम लिख गया, लॉगिन डिटेल हो गई। ठीक है, लॉगिन डिटेल यानी मेरे कंप्यूटर में लॉगिन डिटेल, इस नाम से मेरा कंप्यूटर ओपन होता है। तो ये फील्ड रहा, फिर स्पेल चेक, सपोज दैट जैसे नाव की स्पेलिंग हमने यानी AUW लिख दी, ना कैप्स लॉक ऑफ, ठीक, बाय डिफॉल्ट इसको हम यहाँ से लोअर केस करना पड़ेगा, ये यहाँ से लोअर केस कर दिया, ये हमने इसकी स्पेलिंग गलत लिख ली, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्पेल चेक में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे स्पेल चेक ओके करेंगे पूरे टेक्स्ट में स्पेल चेक एक्टिवेट हो गया और बताने लगा अंडरलाइन से कि ये टेक्स्ट गलत है। जैसे इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, देखिए कुछ सजेस्ट करेगा, ये माओ हो सकता है, गनाओ हो सकता है, लेकिन क्या है आप इस पर नज़र डालिए, या नो डब्ल्यू होता है, नाओ होता है। ठीक, फिर ऐसे ही एडिट डायरेक्टरी डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी में जैसे जो वर्ड नहीं है, सपोज दैट अब देखिए जैसे हमने एक गलती की, स्टैंडर्ड डी की जगह टी लिख दिया, तो हमें पता चल गया यहाँ पे डी लिखना है। देखिए कितना लर्निंग लर, देखिए यहाँ पे एन गायब कर दिया था हमने, ठीक है, एन लिख दिया, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे सजेस्ट कर देगा कि सही वर्ड क्या है। तो बहुत ही काम का है स्पेल चेक, आपकी ड्राइंग गड़बड़ नहीं होगी। फिर फाइंड एंड रिप्लेस, सपोज दैट हमने लिखा है हेलो, अब इस हेलो वर्ड को हमें फाइंड एंड रिप्लेस करना है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल सी, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है क्लोज कर दीजिए, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हेलो फाइंड करना है, और किससे रिप्लेस करना है, हाई से रिप्लेस करना है, रिप्लेस या फाइंड एंड रिप्लेस या फिर रिप्लेस या रिप्लेस ऑल, ठीक है, जैसे करेंगे वन मिलेगा इनकरेक्ट वर्ड और आपकी वो सारे इनकरेक्ट वर्ड रिप्लेस हो जाएंगे, हाई में आ जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए फाइंड एंड रिप्लेस। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ऑल कैप्स, ठीक है, तो ऑल ऑब्जेक्ट को कैपिटलाइज्ड कर देगा। फिर नेक्स्ट है मोर एडिटर सेटिंग, तो ठीक है ये कुछ एडवांस सेटिंग है, इसके बारे में आप सीख लेंगे। फिर है रूलर, जैसे ही रूलर ऑफ कर देंगे, देखिए ये जो रूलर है ये ऑफ हो गया, फिर रूलर आ गया। अब सपोज दैट जैसे आई एम राइटिंग नाउ, फिर से आई एम लर्निंग ऑटो कैड, अब इसको थोड़ा सा हमें हटा के लिखना था, पैराग्राफ के टाइप के, थोड़ा यहाँ से शुरू हो, तो क्या करते ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए और थोड़ा आगे ले जाइए, तो देखिए ये जो टॉप है दो है ना, टॉप में है एक बॉटम में है, तो जो टॉप में है जो फर्स्ट लाइन स्लाइडर होता है, सेकंड लाइन स्लाइडर होता है, तो जो हमने फर्स्ट लाइन स्लाइडर को हमें मूव करना है, ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट लाइन स्लाइडर को मूव करेंगे, हमारी फर्स्ट लाइन जहाँ पर माउस रहेगा यहाँ पर हमने क्लिक किया और इस लाइन को हमने स्लाइड कर दिया यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया, तो हमारी बात यहाँ से शुरू होती है, हाय वेलकम टू कैडिया, अब ये लिख दिया। अब ये सेकेंड लाइन स्लाइडर है, ये जो सेकेंड लाइन शुरू हुई है इसको कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है सेकेंड लाइन स्लाइडर, सेकेंड लाइन स्लाइडर हम और पीछे शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ से ऐसा ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट शुरू होगा, तो ये रूलर का यूज है, ठीक है, और ये जो टेक्स्ट यहाँ तक लिख रहा है ना, चाहते हैं यहीं पर कंप्लीट हो जाए, तो बैक वाला ये स्लाइडर है। तो ये सारे ऑप्शन थे टेक्स्ट और एम टेक्स्ट के, आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे, और यहाँ से जब कंप्लीट हो जाए आपका ऑब्जेक्ट क्लोज कर दीजिए, ये कंप्लीट हो गया ऐसे आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा इस वीडियो को, और बोर बिल्कुल अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो ऐसे समझिएगा कि अगर एक बार किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो छोटी छोटी समय आपको कई बार देने की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो एक बार अगर कोई चीज़ अच्छे समझ में आ जाती है तो आपको हमेशा याद रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।